जी बिल्कुल, कोई मैंने उनको भी बोला कि केमिस्ट्री का कोई सवाल ही नहीं उठता, उनकी केमिस्ट्री मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ और मेरा महबूब मुझे पसंद नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैंने इन दोनों से पहले गाना देखा है ना, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सबसे पहले गाना जन्नत का देखा था। हाँ मैंने बोला है, मैंने कहा आप लोगों से पहले मैं गाना देख चुकी हूँ तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कंग्रेचुलेशन टू देम बैक टू बैक, कंग्रेचुलेशन टू सर ऑफ कोर्स। सबका साथ में कॉकटेल बना के आएंगे हम लोग, है ना, सब साथ में आएंगे। अभी ये हमारा जो गाना आ रहा है ना, जो गाना आ रहा है उसका नाम फ्रूटी है, अभी फिर वो कॉकटेल हम नाम रखेंगे उसका। मैं पहले देखूंगा, जन्नत ठीक हो जाएगा फिर। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज बहुत हैप्पी सॉन्ग है और मैं तब से ही बोलते हुए आ रही हूँ कि मैं रो ही नहीं हूँ गाने में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत हैप्पी सॉन्ग है। वो टीज़र मैंने भी देखा है, देख लिया। इट्स अ वेरी, वो टीज़र देखने के बाद मैं ऐसा हो गया था, वो लेवल अप, लेवल अप। लाइक टुमारो यू गाइस आर गोना लव द टीज़र। या इट्स अ माइंड ब्लोइंग टीज़र। चलो आज हम लोग को बच्चा बना दे आपका, बच्चा आपके खड़े। अरे मेरे को वैसे लग रहा है मैं एकदम बहुत बुढ़ा हो रहा हूं। उनकी बेटी 3 साल की है, मैं आवे से 1 साल छोटा हूं। अरे 1 साल छोटा है, मैं 1 साल बड़ा हूं। काम करके कैसे जा रहा है आपका? मुझे इन सब से बहुत कुछ सीखने मिलता है एंड दे आर सो लवली पीपल, सो हम्बल पीपल, और इतने टैलेंटेड हैं, इतने क्रिएटिव हैं। सो यू नो व्हेनेवर आई मेक कंटेंट विद देम, व्हेनेवर आई मेक वीडियोस विद देम, आई गेट टू लर्न सो मच। एंड हम सब मिलके एक कोशिश कर दें कि सबके इनपुट से गाने में हो और कुछ अच्छा लेके आए आप सबके लिए। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबडी हियर, दे आर रियली रियली गुड एट द वर्क एंड रियली थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क विद एवरीवन। जन्नत फ्रूटी तो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन क्या खास बात देखती है जब फ्रूटी गाना करती है? क्या समझी नहीं, गाना आप साइन करते हैं तो क्या खास चीज़ें देखते हैं? बस पहले तो साइन करते नहीं हम गाने, दो दिन का शूट होता है लेकिन अच्छी बात, आई थिंक पूरे सॉन्ग पे डिपेंड करता है सॉन्ग कैसा है और उसका स्टोरी लाइन क्या है, बिकॉज सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि गाना अच्छा हो, जब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं तो यू नो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा और बार बार देखेंगे नहीं। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा पूरा टीम वर्क होता है, इतने लोगों की मेहनत लगती है तो फिर जाहिर सी बात है गाना तभी ट्रेंड करता है और आप लोग इतना पसंद करते हैं। अलग अंदाज में हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अब वो 3 मिनट का गाना अगर उसमें भी आप लोग हिंट्स ले लोगे तो फिर क्या रह जाएगा? तो बस मिल गया ना हिंट, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ बस अभी हमारा गाना बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, थोड़े दिन और रखेंगे क्यूरियोसिटी। आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और टचवुड माशाल्लाह अभी इनका गाना आया इससे पहले और फिर दोबारा से इनका गाना आ रहा है, एंड आई होप कि ये ऐसे ही गाने लाते रहें और सब गाने इनके ट्रेंड करते रहें, एंड आई रियली वांटेड टू बी हियर। मैंने बोला था मैं यहाँ नहीं थी, मैं जैसे ही लैंड हुई मैं जल्दी से गई तैयार होके, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। सो स्वीट हो, आप लोगों का काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो फाइनली इस ऑफ स्टेज से बाहर हो गया, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? कि वो आई थिंक बाहर होने के बाद वापस से बोला गया था कि मेरे ख्याल से वो वापस अंदर जा रहे हैं, हमें ऐसी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं कि वो बाहर आ चुके हैं। हाँ हमको भी कोई कंफर्मेशन नहीं, जो भी हम हमारा सारा सपोर्ट ऑल आवर विशेस आर विद देम एंड अदनान विन द शो एंड थैंक्स अ लॉट। मर सबसे पहले बहुत टाइम के बाद सुनाई दे रहे हो और इस गाने के लॉन्च पे एक्सक्लूसिवली आप मिले हो हमें, थोड़ा सा बताइए सर। यार एक्चुअली स्टेबिन जो है मेरा बहुत बहुत पुराना दोस्त है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं हमारे दोनों के शहर इंदौर और भोपाल, वो भोपाल से मैं इंदौर से हूँ, और एक बहुत ही अलग कनेक्शन है उसके साथ। तो जब भी वो कुछ अच्छा करता है, कुछ अचीव करता है, कुछ उसका लॉन्च होने वाला होता है, मुझे आना ही पड़ता है बिकॉज ही इज़ लाइक अ फैमिली। और वो जब भी अच्छा करता है मुझे बहुत खुशी होती कि यार मेरे बाद मेरे शहर से मेरे ही स्टेट से कोई आया है और वो बहुत कमाल कर रहा है। एंड ये गाना बहुत कमाल का है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। इसके बाद आई नो कि उसके बहुत सारे और गाने आ रहे हैं, फिल्मों में गाने आ रहे हैं,
सो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि मतलब वो जल्दी से यू नो ही इज गोना बी इन द ए लिस्ट सिंगर्स और कमाल हो जाएगा. मैंने जैसे मेंशन किया कि बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो, क्या कुछ होने वाला है, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? बहुत दिनों के बाद दिख रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि मैं एक तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो खतरों के खिलाड़ी में कुछ स्पेशल एपिसोड्स के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे था यूरोप में. और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि बिफोर दिस ईयर एंड दो लीडिंग प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से मेरी दो फिल्में आने वाली हैं, इस काइंड ऑफ अ लार्ज शॉर्ट फिल्म. सो वो दोनों आपको देखने को मिलेंगी और उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा. एक की तो मैं खुद कल स्क्रीनिंग देखने जा रहा हूँ कि कैसी लग रही है वो. सो या ये साल ख़त्म होने के पहले दो फिल्में हमारी ऑडियंस के लिए आ रही हैं जो मेरे पास के काम से बहुत अलग हैं. वो बिल्कुल डांस से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी कुंवर एज अ डांसर से रिलेटेड नहीं है. वो बिल्कुल नया कुछ आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने एक देख ली है, एक दूसरी मैं देखने वाला हूँ. बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा एंड आई होप सबको पसंद आएगा. म्यूजिक वीडियो का दौर चल रहा है, कोई कोलैबोरेशन का प्लान है सेबिन के साथ? ऑफकोर्स यार, व्हाई नॉट. सेबिन के साथ तो बिल्कुल, उसको मैंने बोल के रखा है कि जब भी तू कोई एक ऐसा गाना निकालेगा जब तुझे लगता है कि मुझे आप ही चाहिए या मैं और चार्ली चाहिए, तो मुझे बता देना, वी विल डू इट. सो वो भी वेट कर रहा है और हम भी वेट कर रहे हैं. डेफिनेटली करेंगे क्योंकि म्यूज़िक वीडियोज़ करने का भी अपना फ़न है, यू नो. एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी सेबिन के साथ या कहीं और पे यू विल सी अनदर सॉन्ग. सॉन्ग्स तो होते रहते हैं बट आई वॉन्ट टू सी सेबिन के साथ में एक अच्छा गाना लेकर के अच्छे कंपनी के साथ. नजबलिए चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हैं? नजबलिए फॉलो तो ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि शांतनु है उसमें और शांतनु के साथ में अली भी है और रोहित भी हैं और सब फ्रेंड्स हैं. तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जब वोटिंग अपील की बारी आती है कि यार किसका डालो, और अगर किसी का नहीं डाला तो पकड़ के मारेंगे सारे. तो देख रहा हूँ मैं और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनल्स की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और उसमें सारे मेरे दोस्त हैं बचे हुए. तो मैं चाहूँगा कि वो सब के सब फाइनल्स में आए, जो बेस्ट हो वो जीत जाए पर सब फाइनल्स में आ जाए. आपके मुताबिक बेस्ट कौन? यार देखो ये ना हर हफ्ते स्विच होता है, राइट. लाइक शांतनु एक प्रो डांसर है सबको पता है, राइट. पर एट टाइम्स कई बार अनीता, रोहित, कई बार अली कुछ ऐसा कर जाता है कि वो हाई फाइव लेके चले जाते हैं, यू नो. तो इस अ गेम जो किसी के हाथ में नहीं है, जिस दिन जिसने जो परफॉर्म कर दिया वो ले गया. सो आई थिंक फिनाले भी उसी बेस पे होगा, जो जितना अच्छा डांस करेगा, जितना परफॉर्म कर देगा उससे हो जाएगा. बिकॉज फैजल वॉज देयर और मुझे याद है कि वो बहुत कमाल कर रहा था लेकिन इंजरी हो गई उसकी और उसको जाना पड़ा. सो एज आई एम सेइंग, दिन होता है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है. सो जो भी जीते आई विल बी हैप्पी बिकॉज मेरे सारे दोस्त फाइनल्स की तरफ जा रहे हैं. मैं स्टेबिन को तो बहुत टाइम से जानती हूँ, जब वो यहाँ पे आए भी नहीं थे. हम लोग ने भोपाल में एक इवेंट अटेंड किया था एंड आई थिंक इज़ अ फैबुलस सिंगर. रही बात आवेज और नगमा की, दे आर फैब एंड दे आर वेरी नाइस टुगेदर एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग. बहुत ही आई फील केमिस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी है. या ओके, तो जैसे आपने कहा सेबिन के साथ आपकी पहले से काफ़ी बॉन्ड्स और शेयर. यस यस, कभी उनके साथ एल्बम करने का? वो बोल ही नहीं रहे मुझे. मैंने उनको अभी कहा कि मुझे ले लो, वो कहते देखते हैं. बताओ सेबिन को, मांगे करो. क्या बोलूँ मैं, नहीं जानती सेबिन को. अभी मिलवा दूंगी मैं, अभी मिलूंगी फिर कहूँगी कि साथ में ले लो एक और गाने. यहाँ पे तो आप खुद देखेंगे, बट अभी तो हम दीवानी मस्तानी पे डांस कर रहे थे और समीक्षा. सो आई थिंक अंदर भी बहुत मजा आएगा एंड आई शुड टेल यू दैट शी इज अ फैबुलस डांसर, यू शुड सी हर डांसिंग. चलो, यू हैव सीन हर? गिर के मरे नहीं आप? चलो थैंक यू. सबसे पहली बात तो मेरा भाई है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड भाई है तो ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा वैसे भी, क्योंकि वीडियो अच्छा है सब. वैसे भी ऑडियंस वैसे भी उसको बहुत लाइक करती है बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट, प्लस अभी एक नया एल्बम शूट है तो उसके लिए और एक अच्छी चीज़ है. सो इट्स नाइस टू हियर माई ब्रदर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स. I'm going to do it.
एक्चुअली ऑडियंस के लिए भी बहुत फ्रेश है ये चीज़, बिकॉज ऑलमोस्ट सब वीडियोस में वो एक साथ रहते हैं, हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट था, सो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और सेकंड नंबर पे चल रहा है ट्रेंडिंग पे, सो इट्स अ हां सेकंड पे भी आ गए, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। अच्छा आपने रिवील कर दिया, मुझे लगा रिवील नहीं करना था। है मेरा टाइम है वैसे, थोड़ा एक महीने का गैप के बाद आ रहा है, आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स, लेट्स सी। मेरा तो फर्स्ट डेब्यू एल्बम है राम जी के साथ, एंड राम जी एक्चुअली राम जी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, वो उनके साथ काम करना इज़ वेरी वेरी ईजी एंड वेरी स्मूथ, बिकॉज वो काम करने देते हैं आपको, आपको जो ठीक लगता है वो आपको करने देते हैं, तो इट्स गुड टू वर्क विद राम जी। इट्स स्टिल ऑन ट्रेंडिंग या उसका नाम तो कोई नहीं, और उसमें मेरी को एक्टर थी अश्नूर को, जो पटियाला वेब से है, सो ऐसे ही सबके सॉन्ग्स आते रहे और ऐसी ट्रेंडिंग पे चलते रहे, तो हम सब बहुत खुश हैं, जो जिस तरीके का काम हमको मिल रहा है और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद दैट। शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी हम्बल, मतलब हम फर्स्ट टाइम सेट पे मिले थे और लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और पहली बार काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम बहुत टाइम से दूसरे को जानते हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर अगेन। मेरे हिसाब से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है उसे पहले सबसे पहले वार किया जाता है कि ये, और दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम, क्योंकि उस अदनान को अगर एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट बोला गया है तो उसको वार किया गया है क्योंकि वो अच्छा है, सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम, आई थिंक दैट्स वो कुछ गलत नहीं है उसके लिए, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम एक्चुअली। एक्चुअली मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे आपसे पता चल रहा है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई थिंक सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है, सो शायद कोई रीज़न होगा। स्ट्रॉन्ग है और अदनान वैसे भी बहुत पॉपुलर है इनसाइड द टीवी और आउटसाइड द टीवी, तो वो वैसे भी मचा ही रहा है जगह। हाँ बहुत सही है वो अदनान, वैसे भी चिल्ड आउट आदमी। थैंक यू सो मच।